किया। डॉक्टर ने किया। छोटी उम्र में बेचारा नहीं। ओह माय गॉड जूते। मेरे कॉम्प्लिकेटेड है, आपने निकाला। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिर्गी का तोड़ो, मिर्गी का तोड़ो। डबल डोज देना पड़ेगा। जूते दो, जूते दो उम्र में। आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर मोदी जी, क्या हुआ? चलिए। हाँ बस आप ही का इंतजार कर रहा था। हाय, तो चलिए साथ साथ चलते हैं। नहीं, साथ साथ नहीं चल सकते। एक्चुअली मेरी मीटिंग है, तो आपको डॉक्टर निकिता, डॉक्टर निकिता आपको आपके कैबिन तक ले जाएगी। इनफैक्ट डॉक्टर निकिता आपको पूरा हॉस्पिटल दिखा देगी। राइट राइट, गुड। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप है ना? नहीं, मैं नहीं हूँ, डॉक्टर निकिता है। ओके, जाइए जाइए। चलो। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? जूता दो, ये क्या हो गया? जूता दो ना। चलो नहीं क्या, जूता दो, ये क्या हो गया? ये नाटक बंद करो। डॉक्टर अतुल? हाँ। नहीं, मैजिक मिरेकल, डॉक्टर मोदी आपके हाथ से मैं ठीक हो गया। ज्यादा मिरेकल दू गॉडी ड्रेस मिरेकल मैजिक इस वक्त मेरी मीटिंग है, वरना दिखाता तुम्हें। जाओ अपने अपनी ड्यूटीज पे जाओ। स्टूपिड जादू, ये कि तेरे जूते सुन के मैं मरा नहीं। अगर अंजलि के जूते होते ना तो कभी स्मेल नहीं करते, गुलाब की खुशबू आती उसमें से। जब तक अरमान मेरी बात सीरियसली नहीं लेगा, मैं उसे शादी के लिए मना करती रहूंगी। वो फुली तब उसे अकल आएगी। दुल्हन भी आ गई। दीप, कौन? अरे जी, हो क्या रहा है? कैसे हो? अरे सही, टू क्यूट। ये देख, इसका फॉल देखिए। वाओ, इसका बॉर्डर बहुत खूबसूरत है ना? अरे देखिए रिद्धिमा दी। अरे रिद्धिमा आओ, देखो अरमान तुम्हारे लिए कितनी सारी साड़ियाँ लेकर आया। कब आओ ना, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरमान तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया? ये वाली देखो, कितना सुंदर फॉल है। मां, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी भाई, शादी वाला घर है। शादी वाले घर में बहुत काम होते हैं, छोटे मोटे, दिन रात काम ही काम, और धीरे धीरे करके सारे काम खत्म करने होते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, कोई और आपकी मदद करे ना करे, मैं जरूर करूंगा। तो स्वीट। अब मम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं रात में आई नो पूरा दिन इंजेक्शन लगाते लगाते तुम्हारे हाथों में दर्द हो गया, मैं दबा देता है ना रिद्धिमा। लेकिन तुम लोग पूरी रात करते रहोगे, मैं सोने जाती हूँ, नहीं तो मुझसे सुबह उठा नहीं जाएगा। मुझे तंग करोगे। गुड नाइट अंजलि। तुम्हें कौन सी साड़ी पसंद है? ब्लू। ब्लू बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें। पर क्या हो रहा है? मिस दालमिया, मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहचान लिया है। हाय, आप एक ही दिन में हमें पहचान गए हैं? एक्चुअली आपको नहीं, आपके कपड़ों को। एक ही दिन में आपको हमारे कपड़े भी याद हो गए? वो क्या है ना, पूरे हॉस्पिटल में कोई
इस तरह के कपड़े नहीं पहनता। थैंक यू जी। वो क्या है ना, जोधपुर में सारी की सारी लड़कियां हमारी इस स्टाइल की दीवानी है। क्या? हाँ, हमारी इस स्टाइल पे सारी की सारी लड़कियां मरती है। नहीं, मेरा मतलब है आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी तो नहीं, वो बस हमें थोड़ी सी मदद की जरूरत थी। मदद? डॉक्टर निकिता, डॉक्टर निकिता इधर आइए। देखिए, मिस डालमिया को मदद की जरूरत है और आप इनकी मदद करेंगे। ओके? यस, ओके। देखो ना कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ। और ये देखो, ये है लाल, तुम्हारा फेवरेट कलर। I hate red. क्या बात कर रही हो रिद्धिमा, लाल तो तुम्हारा फेवरेट कलर है। याद है वैलेंटाइन पे तुम लाल पहन के आई थी, जब तुम मुझसे मिलने आई थी लास्ट वैलेंटाइन। लेकिन तुम तो बीमार थी ना बेटा। वैलेंटाइंस डे कब? ये देखिए हमारे वैलेंटाइंस की फोटो। कितनी सुंदर, अब तो शादी होने वाली है। क्यों शर्मा रही? देखिए पापा, मत रहने दो प्लीज, अच्छा लग रहा है। और तुमने तुमने क्या कहा था, तुम बीमार थी? अब मुझे तो यही कहा था। रिद्धिमा ऐसा कहा था तुमने? एक्चुअली आंटी, तुम मुझसे मिलने के लिए आ रही थी ना, इसलिए झूठ कह दिया होगा। मैंने कहा था ना, ये मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर कोई बात नहीं। हलवा, हलवा आपने कहा था हलवा खिलाने वाली है? मैं तो भूल ही गई। पुरानी बातें छोड़िए, पुरानी बातों में क्या रखा, अब हलवा खिलाइए ना, बहुत भूख लग रही है। अब भी लाती हूँ। तुम भी खा लो ना थोड़ा सा हलवा, उसमें जो काजू डाले वो मिलेंगे। अभी लाती हूँ। मैं अरमान, तुम हद करते हो। आई नो, और तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे लिए पागल है। लेकिन मैं पागल नहीं। गुड, क्योंकि मुझे ना पागल लड़की से शादी करनी भी नहीं। really? It's... बता क्या प्रॉब्लम है जी, ये पूछिए क्या प्रॉब्लम नहीं है। वेल, क्या प्रॉब्लम नहीं है? वो क्या है जी, हम जहाँ भी देखते हैं हमें बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आती है। वैसे ये बात तो सही, इस हॉस्पिटल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर मोदी। हाय जी, सही पहचाना आपने, वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वाओ, वेलकम टू द गैंग। हाँ, आप भी? मैं तो सबसे ज्यादा, इतना गुस्सा करता है वो। हाँ, इतना चिल्लाता है वो। हाँ वही, इसलिए आई हेट हिम। और इसीलिए हमें उनसे प्यार हो गया है। एग्जैक्टली। What?
फर्स्ट फर्स्ट लुकिंग में ही उनसे प्यार हो गया। अब बस हमारा प्यार पाने में हमें आपकी मदद चाहिए। तुम्हें अभिमन्यु से? हाय, पूरा का पूरा लव हो गया जी। हाँ, बस उनको पाने में हमें आपकी मदद चाहिए। नो नो वे, वे तो है ना जी, बस उस वे को ढूंढने में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। करिए ना, हम आपकी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। क्या रहेंगे? थैंकिंग जी। ओ देखो सुमन जी, आई मीन सू। व्हाट? आपके लिए सू, हमारे घर का नाम सू है। ठीक है, देखो सू, आप सुमन जी, आई एम सॉरी सुमन जी, ठीक है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी। अभिमन्यु को पटाने में मैं इसकी मदद करूंगी। No, निकिता जी, आपको हमारी भावनाओं की बिल्कुल भी कदर ही नहीं है। क्या आपके दिल में धड़कन नहीं है? क्या उस धड़कन में किसी का गीत नहीं है? क्या? एक मिनट, व्हाट गीत, व्हाट धड़कन? निकिता जी, माना कि हम बहुत अक्लमंद है और बहुत सुंदर भी है, पर है तो जोधपुर से ना, और आप तो यही की है। आपने उनके साथ कितना सारा काम किया है, आपको उनकी पसंद नापसंद सब कुछ पता है, तो फिर आप हमारी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? देखो देखो सुमन जी, वो एक्चुअली बात यह है कि इस वक्त मेरे और अभिमन्यु के बीच हालात थोड़े टेंस है। वो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। ये लो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या? देखो, वो आपको बिल्कुल लाइक नहीं करते और हम उन्हें तो आप हमारी मदद करेंगी तो उनकी भी तो मदद करेंगी ना। अभिमन्यु की मदद कैसे? आइए देखिए निकिता जी, वो हमारी तरफ देखिए एक बार, हम उनके लिए एकदम ठीक है, परफेक्ट है जी। तो बस उनको ये एहसास दिलाना बाकी है, वो एहसास दिलाने में अगर आप हमारी मदद करेगी तो वो तो आपको जिंदगी भर थैंकिंग रहेंगे जी, तो आपको लाइक ही लाइक करेंगे। या एक्चुअली यू आर राइट, आज तक जितना तंग अभिमन्यु ने मुझे किया है, उसे करोगे मेरी मदद? Wow, that's perfect. निकिता जी, आप कुछ सोच रही है? हाँ, मैं ये सोच रही थी कि तुम खुद नहीं जानती कि तुम कितनी परफेक्ट हो। तो आप हमारी मदद करेंगी ना? Of course, मैं तुम्हारी मदद करूंगी सुमन जी, I mean so. अरमान, ये ले, गर्मा गर्म पूरी। ध्यान से, हाथ ना जले। नानी, ये पूरी खाने का मजा ना। ध्यान से, इस मौसम में है। अरे रिद्धिमा, तुम कब आई? आओ तुम भी थोड़ी खाओ, तुम्हारी शादी है। आजा आजा रिद्धिमा, देख गर्मा गर्म पूरी तू भी खा ले। आई नानी, मैं आती। इतने प्यार से अरमान बना रहा है, नहीं पूरी तो मुझे खानी ही होगी। हाँ नानी, आप क्या कह रहे थे? अरे ये क्या किया? ओह आई एम सॉरी अरमान, अरे सारे कपड़े गीले कर दिए। I'm so sorry, sorry, I'm very sorry। रिद्धिमा बेटा, ये क्या किया तूने? बेचारे के सारे कपड़े गीले कर दिए। बेटा बेटा ध्यान से, हाँ मैं अभी तेरे लिए तो वो टाल लेकर आती हूँ। I'm sorry। तो अगली बार ऐसा कुछ भी किया, मैं नानी माँ के सामने देखो
याद रखना ओके, जैसे ही वो गाड़ी के पास आए उसे घर जाने के लिए लिफ्ट मांग लेना, भूलना मत उसे जाने मत देना, याद रहेगा ना? हाय, अब उनसे हम ऐसे कैसे पूछ सकते हैं? पूछना पड़ेगा सू, कहना पड़ेगा, प्यार है तो घर जाने के लिए लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। हाँ, आ रहा आ रहा, कम ऑन कम ऑन। अभिमन्यु जी, हाय डॉक्टर अभिमन्यु, मेरा आपको बिल्कुल डराने का इरादा नहीं था जी, हमें माफ कर दीजिए। ओ डॉक्टर मोदी, आप यहाँ जमीन पर क्या कर रहे हैं? और आप सुमन जी, जाइए इनकी हेल्प कीजिए। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आप घर की तरफ जा रहे हैं? जी नहीं, एक्चुअली मेरी एक जरूरी मीटिंग है। डॉक्टर मोदी, एक्चुअली सुमन जी आपसे पूछने में घबरा रही थी, एक्चुअली इन्हें घर तक लिफ्ट चाहिए थी। लुक डॉक्टर निकिता, जैसे मैंने कहा मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए सॉरी मैं आपको घर नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर मोदी, अब इतनी रात को अकेली लड़की, नया शहर, मैं उन्हें छोड़ देता। देखा, मैंने कहा था कि डॉक्टर मोदी बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें जरूर घर छोड़ देंगे। वो बिल्कुल भी घटिया, घमंडी, बदतमीज टाइप के इंसान नहीं है। ये तो किसी भी लड़की को अकेला नहीं छोड़ते, राइट सर? फाइन, आइए सुमन लता जी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ओह वाओ, ग्रेट, हैव फन, टेक केयर, बाय सर। अरे आप भी हमारे साथ चलिए ना। मैं नहीं, कुछ नहीं, अभिमन्यु जी आपको भी घर तक छोड़ देंगे, है ना अभिमन्यु जी? हाँ ऑफ कोर्स, आइए, आपको भी छोड़ देता हूँ। ये तो बात उल्टी पड़ गई। आपको गाना पसंद है जी? हाँ, I love music. हाय, हम कितने same to same हैं जी। वो क्या है, गाने के बगैर ना हमें जिंदगी जिंदगी नहीं दिखती। गाना सुन लीजिए जी। गाना? जब हमें गाना गाने की इच्छा होती है ना जी, तब हमें बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता है। सुसु, तुमने तो डरा ही दिया था। ये सुसु क्या है? इनके घर का नाम। आप भी हमें सुसु बुला सकते हैं जी। नहीं, it's okay, no thank you. नहीं, आप बुलाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा जी। नहीं ठीक है। अच्छा हम गा ले। हाँ of course. डॉक्टर मोदी को गाना बहुत पसंद है। हाँ